नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पांचवें दौर के साथ ही आज बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी दौरों के चुनाव शांतिपूर्ण रहे। एनडीए जहां अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन भी बिहार में सरकार बनाने की दावेदारी ठोक रहा है। हालांकि इंतजार अब सबको 8 नवंबर का है, जब बिहार चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी। पांचवें दौर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और 2010 में यहां 55% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार करीब 60% मतदान हुआ है, जो पिछली बार से बहुत ज्यादा कहा जा सकता है। इसके साथ साथ बिहार चुनाव से जुड़ी कई खबरें आपको दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र 2015 का आज का सफर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बिहार में पूरा हुआ मतदान, पांचवें दौर में करीब 60% वोटिंग, 8 नवंबर को आएंगे नतीजे। दो हजार दस के मुकाबले पांचवें दौर में 5% ज्यादा हुआ मतदान, कटिहार जिले में सबसे ज्यादा डाले गए वोट। पूर्ण बहुमत के दावे पर बरकरार दोनों बड़े दल, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने 2/3 बहुमत का किया दावा, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी भरी जीत की हुक्का। अलग अलग एग्जिट पोल में एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर, दोनों दलों के बीच होगा बहुत कम सीटों का फासला। जी हां, आखिरी दौर के मतदान के साथ ही बिहार में वोटिंग यानी कि मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। पांचवें दौर की 57 सीटों पर 60% के आसपास मतदान हुआ है और पांचों दौर को अगर मिलाकर बात करें तो बिहार में इस विधानसभा चुनाव में कुल 56.80 यानी कि करीब 57% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में लोकसभा और विधानसभा के किसी भी चुनाव में यह अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है। अब सबकी निगाहें 8 नवंबर की मतगणना पर टिक गई हैं। ये तस्वीरें हैं पांचवें दौर के 3 अलग अलग जिलों की। हर जगह बड़ी तादाद में सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं ने पोलिंग बूथ का रुख किया, लिहाजा इस दौर में रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिली। गुनगुनी ठंड में सूरज चढ़ने के बाद मतदाताओं का घर से निकलना जारी रहा। पहले घंटे में शुरुआत सुस्त रही, लेकिन 11 बजते बजते 1/4 लोग वोट डाल चुके थे। लेकिन इसके बाद भी वोटिंग की गति बरकरार रही और शाम 4 बजे तक रिकॉर्ड 56% लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सबसे खास बात इस बिहार चुनाव की रही है कि ये हिस्टोरिकल तरीके से, यदि ऐतिहासिक रूप से ये शांतिपूर्ण मतदान रहा है, जहाँ की चुनाव होने के पहले तरह तरह के अंदेशे थे, तरह तरह की संभावनाएं समस्याओं की थी। 9 जिलों की सभी 57 सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं की खुशी देखने लायक थी, जबकि लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी को निभाने बड़े बुजुर्ग भी भारी तादाद में घर से निकले। इस इलाके में ज्यादा वोटिंग पिछली बार भी देखी गई थी, लेकिन वो रिकॉर्ड इस बार टूट गया। 2 सीटों पर सुरक्षा के मद्देनजर 3 बजे ही मतदान प्रक्रिया खत्म हो गई, जबकि बाकी 55 सीटों पर 5 बजे तक वोट डाले गए। महिलाओं की भागीदारी बहुत ही उत्साहजनक रही है और 6% ज़्यादा महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले इस मतदान में भाग लिया, जिससे ये एक नई तरह का एक उत्साहजनक वातावरण भी बना। इसके साथ ही इस दौर के 827 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। जिन इलाकों में वोटिंग हुई उनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा में मतदान हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन को इस इलाके में 57 में से 43 सीटों पर भारी जीत मिली थी। इस दौर की वोटिंग के साथ ही बिहार में अब मतदान का काम पूरा हो गया है। 8 नवंबर को नतीजे जाहिर किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ बिहार में पांचवें दौर में बम्पर वोटिंग हुई है। 9 जिलों की 57 सीटों के लिए जनता ने जमकर मतदान किया। सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दे जनता के लिए वोट करने का मकसद बने।
ये तमाम तस्वीरें पांचवें दौर के चुनाव की हैं। सुबह 7 बजे से जैसे ही मतदान शुरू हुआ, जनता ने मतदान केंद्रों का रुख करना शुरू कर दिया। लोगों की जुबान पर मुद्दा विकास ही रहा। सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से लेकर रोजगार जैसे मुद्दे जनता की पहली पसंद बने। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे पढ़ाई का। पढ़ाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज। बच्चे यहाँ पे मैट्रिक तक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेडीज के लिए, महिला के लिए कुछ निकाल देता बिजनेस की, यहाँ पर बैठ के कुछ करती। रोटी रोजी के लिए लोग मरता है, भूखे प्यासे रहता है। ये अच्छी सरकार चाहिए जो विकास का काम करे, सड़क, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्था करे, साफ सफाई रखे, जो जात पात से ऊपर उठ के विकास का बात करके अच्छी तरह से सरकार चले। पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, यही सब है। नौकरी इंडस्ट्रीज नहीं है और बिना इसका तो विकास हो नहीं सकता है। देने का आधार हमारा मेन है कि विकास, इस बिहार का विकास हो और देश और स्टेट की तरह जैसे गुजरात में है विकास, वैसे हमारा बिहार भी हो। इस दौर में कुल 827 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। वहीं तकरीबन 1.5 करोड़ वोटरों में से 20 क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 30% है। अंतिम चरण में जो प्रमुख नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जेडीयू के वरिष्ठ नेता बिजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से मैदान में हैं, आरजेडी विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी अलीनगर से दावेदारी ठोक रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री नरेंद्र नारायण यादव आलमनगर से, जबकि बहादुरपुर से भोला यादव मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल का दौर भी शुरू हो गया है। अलग अलग एजेंसियों के नतीजों पर अगर नजर दौड़ाएं तो काफ़ी विरोधाभास नजर आ रहा है। एक तरफ सिसरो ने जहां एनडीए को बढ़त दी है, तो वहीं दूसरी तरफ एसी नीलसन, सी वोटर और न्यूज़ एक्स महागठबंधन को बढ़त दे रहे हैं। दिलचस्प ये है कि ज़्यादातर सर्वे एजेंसियाँ एनडीए को बहुमत का आंकड़ा नहीं दे रही हैं, लेकिन टुडे चाणक्य न्यूज़ 24 का जो सर्वे आया है उसने एनडीए की जीत पर मुहर लगा दी है। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 155 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 83 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ सी वोटर महागठबंधन को बहुमत का आंकड़ा छुआ रहा है, यानी ठीक 122 सीटें, जबकि नीलसन और न्यूज़ एक्स के सर्वेक्षण में साफ तौर पर महागठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। न्यूज़ एक्स की अगर बात करें तो न्यूज़ एक्स ने महागठबंधन को 135 जबकि नीलसन ने 130 सीटें दी हैं। 190 सीट हमको आएगा गठबंधन को, 190। अब बीजेपी को मतलब 10 और फिर 40 में जो भी है, 40-40 मिला तो मिला, नहीं तो भी साफ है। तो 190 सीट पर हमारा आधार है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे और बिहार परिवर्तन के पथ पर बढ़ा है। जिस तरह का माहौल है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। बहरहाल एग्जिट पोल के बाद सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि दरअसल बिहार की जनता ने किसे गद्दी सौंपी है। बहरहाल हम वापस अगर चुनावों की बात करें, जो आज मतदान हुआ है, पांचवें दौर का जो मतदान हुआ, उसके चुनाव के लिए बड़ी हस्तियों ने भी अपने हक का इस्तेमाल किया। सुपौल में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन वोट डालते दिखे, तो मधेपुरा में जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों ने अपने अपने दलों के गठबंधनों की जीत का दावा किया। सब जगह घूम करके हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 2/3 बहुमत के आसपास पहुंचे हैं, स्वीप करेंगे चुनाव को। हमने वोट डाल दिया है और हमें खुशी है कि बिहार परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ रहा है। बिहार में विकास के लिए सरकार चुनी जा रही है। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता पूर्णिया से विशाल दहिया और किशनगंज से रविंद्र सिंह शौरण जुड़ चुके हैं। दोनों का हम रुख करेंगे। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
60% मतदान बहुत कुछ कहता है तमाम सियासी दलों के लिए, ये अपने अपने गणित के लिए या आंकड़ों के लिए या अपनी अपनी जीत के दावे करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एक बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 60% लोगों ने, वो भी बिहार जैसे स्टेट में मतदान किया है, ये जागरूकता बयां करता है। कैसा रहा आज दिन भर, लोगों से बातचीत आपकी हुई होगी, किन मुद्दों पर वो वोट देने निकले? जी बिल्कुल ठीक कहा दीपक आपने, इसे ऐतिहासिक जरूर कहा जा सकता है। और अगर आंकड़ों के लिहाज से थोड़ा सा देखें और इतिहास में भी थोड़ा सा झांक कर देखें तो 60% मतदान जो पांचवें चरण में हुआ है वो बनिस्बत 2014 लोकसभा के चुनाव में जो इन इलाकों में मतदान हुआ था उससे भी कहीं ज्यादा है। तब 59.41% था। पूर्णिया जिले की सिर्फ बात करें जहां हम इस वक्त मौजूद हैं तो 62% से ज्यादा मतदान हुआ है। अगर महिला और पुरुष मतदाता की बात करें तो ओवरऑल महिला मतदाता एक बार फिर से पुरुष मतदाता से ज्यादा संख्या में बाहर निकल कर आई हैं। और अगर पूरे चुनाव की बात करें, पूरे जो पांच फेज रहे हैं जिसमें 56% से ज्यादा का मतदान हुआ है, वो भी चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार राज्य में अभी तक किसी भी असेंबली के इलेक्शन में यानी कि विधानसभा के चुनाव में या फिर लोकसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत ये रहा है। खासतौर पे ये एक और इसमें बहुत दिलचस्प आंकड़ा अगर चुनाव आयोग के लिहाज से देखा जाए तो ये कि 65,000 के लगभग पोलिंग बूथ थे इस पूरे चुनाव में, पूरे पांच चरणों में, लेकिन सिर्फ 2 पोलिंग बूथ ऐसे रहे जिन पर रीपोलिंग की आवश्यकता पड़ी। तो सीधे तौर पर ये 2 चीजें दर्शाता है। नंबर एक का जो मतदाता है बिहार का, उसकी जागरूकता, उसकी उसकी इच्छा और उसका जिसे कहा जाए कि राजनीति और लोकतंत्र में उसकी एक तरीके से कहा जाए पुरजोर जो उसने फेथ शो किया है खासतौर पे इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकलकर। और दूसरा, चुनाव आयोग को जरूर दाद देनी होगी। चुनाव आयोग के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो लगे हुए हैं लगभग 2 महीने से, उनको जरूर इस बात की दाद दी जाएगी कि जिस तरह से उन्होंने पूरा जागरूकता अभियान चलाया, जिस तरह से पूरी अमले को, जो चाहे वो सिक्योरिटी से संबंधित रहा हो या फिर बाकी जो लोग शामिल रहे, उनको जिस तरीके से कार्रवाई में लगाया, जिस तरह से उन्होंने अपना काम किया, शांतिपूर्ण मतदान रहा, ऐतिहासिक टर्नआउट रहा। और रीपोलिंग की जरूरत जो सिर्फ 2 सीटों पर पड़ी वो थोड़ा सा दिखने में छोटा जरूर लग सकता है, लेकिन आप अगर आंकड़ों के लिहाज से देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के लिए। वाकई में महत्वपूर्ण चुनाव आयोग के लिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दाद वाकई में देनी होगी चुनाव आयोग की, क्योंकि पहले ही चरण से चुनाव आयोग की मेहनत काम आ रही थी और जो मतदाताओं में उत्साह है वो भी नजर आया। मैं रुख करूंगा रविंद्र सिंह शोरान का, जो किशनगंज से इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, किशनगंज में पिछली बार यानी कि 2010 में 60% मतदान हुआ था, 58% बल्कि मैं कहूँगा, और अब की बार 61% मतदान हुआ है, यानी कि 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई है। किशनगंज से ये एक्सपेक्ट करना क्या वाजिब होगा, और किस तरह के मुद्दे आपने देखे वहाँ पर जिनके बिना पर लोग आए और अपना मतदान किया उन्होंने? दीपक, किशनगंज जो जिला है उसमें वोटिंग परसेंटेज जो है वो पुराने 2010 का चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो या उसके पूर्व के चुनाव की बात करें, यहाँ पे मत प्रतिशत बाकी बिहार के जिलों से बेहतर जो है हमेशा रहा। लेकिन आपका सवाल सही है क्योंकि ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर लिटरेसी का रेट जो है वो कम है, उस हिसाब से माना जा सकता है कि जागरूकता की भी कहीं कमी ना हो, लेकिन वो नहीं देखने को मिला। अल सवेरे ही लोग जो है 6:30 बजे से ही वोटिंग के लिए लाइन में लग गए थे और अपने मताधिकार का खूब जमकर प्रयोग किया। खासतौर पर जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो पहली बार वोट डालने के लिए आ रहे हैं उन्होंने इस बात बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार जो है चुनाव आयोग ने जो मुकम्मल बंदोबस्त किए थे उसको इसकी सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। बेखौफ और निडरता के साथ जिस तरीके जी रविंद्र, लग रहा है संपर्क हमारा टूट गया रविंद्र से, लेकिन वो यही कह रहे थे कि किशनगंज जो कि सीमांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, वहाँ पर पिछले बार के मुकाबले 4% ज़्यादा वोटिंग हुई है, जो ये साफ तौर पर बता रहा है कि मतदाता जागरूक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी इस पर दाद देनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों संवाददाताओं का हमसे जुड़ने के लिए। और अब हम रुख करेंगे पटना का, जहाँ से हमारे साथ इंदु भारती जी जो कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की हेड हैं वो जुड़ चुकी हैं। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जैसे ही मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, अब सबकी जुबान पर एग्जिट पोल्स फिलहाल छाए हुए हैं, मैं एग्जिट पोल्स पर आपसे बाद में सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जो उत्साह बिहार की जनता ने
दिखाया है लोकतंत्र पर, मतदान के अधिकार पर, उसको किस तरह से कहेंगे आप? मतदान के अधिकार के प्रति जो उत्साह है यहाँ के मतदाताओं में और विशेष रूप से फीमेल वोटर्स, महिला मतदाताओं का जो लगातार रुझान बढ़ रहा है, उसका श्रेय तो पिछले 10 साल से नीतीश कुमार की सरकार को जरूर जाता है। महिलाओं की भागीदारी जो ज्यादा बढ़ रही है मतदाताओं के तौर पे, उसकी दो वजह है। एक तो है मेल माइग्रेशन, जो बिहार से बहुत पुरानी बात है जी, लेकिन पहले भी मेल माइग्रेशन था तो इतना चुनाव ऐसी भागीदारी नहीं होती थी। इसीलिए इसका ज्यादा क्रेडिट जाता है जो पंचायतों में भागीदारी मिली है महिलाओं को, उससे ग्रास रूट लेवल पे जागरूकता आई है। और तीसरी बात जो आप सबने ठीक ही कहा है, मतदान कराए जा रहे हैं, चुनाव आयोग की अपनी भूमिका है बहुत ढंग से, तो उससे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ी है लोगों में और लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए बाहर। तो ये तीनों फैक्टर मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर आप एनालिसिस कर सकें तो जो आज एग्जिट पोल हमने देखे हैं, हालांकि साफ तस्वीर तो अभी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक आध अगर सर्वेस को छोड़ दें तो स्पष्ट बहुमत भी दे रहे हैं अलग अलग गठबंधनों को, लेकिन फिलहाल क्या कुछ नज़र आ रहा है, कुछ आपको लब्बोलुबाब नज़र आ रहा है इन एग्जिट पोल्स का? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जिट पोल्स के जो दावे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा है, एग्जैगरेटेड फिगर्स हैं। अच्छा, मेरी अपनी पॉलिटिकल समझ ये कहती है कि सरकार तो महागठबंधन की बनेगी पक्ष में, उसी के है जी, लेकिन विपक्ष भी मजबूत होगा। स्वीपिंग कमेंट्स जो आ रहे हैं, स्वीपिंग एग्जिट पोल्स जो हैं दोनों ही तरफ से, वो मेरी समझ से बहुत सही तस्वीर नहीं दे रहे हैं। और इसकी वजह है, कारण इसका ये है, देखिए दो तीन फैक्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि बीजेपी के पक्ष में जो चीजें जानी चाहिए थी, पोल से पहले थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि लग रहा था कि एनडीए को मिल सकता है कुछ बढ़त, तो आरएसएस ने जिस ढंग से आरक्षण के सवाल पर हंगामा खड़ा किया, और भी फैक्टर्स आए, इंटेलेक्चुअल्स के भी प्रोटेस्ट हुए, इन सारी चीजों से बीजेपी के खिलाफ भी एक माहौल बना है। आरक्षण का सवाल सबसे बड़ा बन गया। महागठबंधन के पक्ष में जो बातें आई वो सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि है, इसलिए कि उनके आलोचक भी ये मानते हैं कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेस्ट हैं। दूसरी बात यह थी कि सीट एडजस्टमेंट ज्यादा सही ढंग से रहा। तो ऐसा लगता है, मेरी समझ ये है कि टक्कर तो कांटे की रही है, ये तो आम बात है जी, लेकिन अभी नतीजे भी जो आएंगे वो इतने स्वीपिंग नहीं होंगे जितने स्वीपिंग एग्जिट पोल्स दे रहे हैं। और एक और चीज जो समझ में आ रही है इन एग्जिट पोल से, और उसमें भी बहुत बड़ा विरोधाभास है, वो है कि जो तीसरा जो पक्ष है, अन्य, जिस पर कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले से कहा जा रहा कि नेक टू नेक फाइट है, ऐसे में जो अन्य है वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन उनका भी जो एग्जिट पोल आया है उनकी तस्वीर भी साफ नहीं हो पाई है। तो क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा कि यदि दोनों ही गठबंधनों को यदि कुछ ज़रूरत पड़े तो वो अन्य के पर कुछ खेल खेल सकें, अपने पाले में करने की कोशिश कर सकें, लेकिन अन्य के पास भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं? ऐसे में तो ये एक अजीब सी स्थिति बनती दिख रही है पॉलिटिकल बिहार में। ये आपने सही कहा, अन्य में जो लोग हैं, सबसे पहले वाम मोर्चे की बात करें तो उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रही है। अगर उनको कुछ मिल जाता है, कुछ सीट बढ़ जाती है, तो वह ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि कोई उसमें कंक्लूडिंग या कुछ उसमें महत्वपूर्ण तरीके से असर डाल सकें। बाकी जो अन्य हैं वो छिटपुट कैटेगरी के ही हैं, तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है ऐसा लगता नहीं है। लेकिन महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में जी जो परिस्थिति है अभी जी, तो ऐसा लग रहा है कि देखिए किसी की सरकार तो बननी है, बनेगी, और मुझे लगता है महागठबंधन की बनेगी जी। जी ऐसा है, लेकिन स्वीपिंग नहीं होगा, कंपीटिंग होगा, विपक्ष मजबूत होगा, ये बात मुझे बिल्कुल, यानी कि सरकार किसी की भी बने, इनफैक्ट आई एम्फसाइज ओवर दैट कि विपक्ष मजबूत होगा, विपक्ष मजबूत होगा। और अब ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत भी है, क्योंकि जितना सरकार का मजबूत होना जरूरी है उतना ही विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि सरकार कौन बनाता है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि ये जितने भी एग्जिट पोल्स हैं इनके अपने अपने लिमिटेशंस हैं, और उन्हीं लिमिटेशंस में ये एग्जिट पोल सामने आते हैं।
इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है इस पर बार बार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन असली जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को आएगा, उसका हमें इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार काफी अच्छा मतदान प्रतिशत देखने को मिला और पांचों चरणों में कुल मिलाकर करीब 57% मत डाले गए। ये पिछले कई चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग की पहल और मतदाताओं का उत्साह इसकी बड़ी वजह रही। आइए देखते हैं कि किस चरण में कितना मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लंबा इंतजार 9 सितंबर को खत्म हुआ। इसी दिन चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया। तय किया गया कि 5 चरणों में मतदान होगा। बिहार में पहले चरण का मतदान 12 अक्टूबर को हुआ। इस दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 57% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौर में कुल 583 उम्मीदवार मैदान में थे। इस दौर में महिलाओं ने आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। पहले दौर में 59% महिलाओं ने वोट डाले, जबकि उसके मुकाबले 54% पुरुषों ने ही मतदान किया। दूसरे चरण के लिए वोट 16 अक्टूबर को डाले गए। इस दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान होना था। नक्सल प्रभावित इलाका होने के बावजूद लोग अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहे और कुल 55% वोटिंग हुई। इस दौर में 456 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इस दौर में भी महिलाओं का उत्साह नजर आया और 53% पुरुषों के मुकाबले 57% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। तीसरे दौर के लिए 28 अक्टूबर को वोट डाले गए। इस दौर में 6 जिलों के मतदाताओं ने 50 सीटों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौर में करीब 54% वोट डाले गए। इस दौर में 808 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। 1 नवंबर का दिन बिहार में चौथे दौर की वोटिंग का था। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना था। चौथे दौर में 58% वोटरों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस चरण में 776 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस दौर में भी करीब 60% महिलाओं ने वोट डाले, जो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। आखिरी दौर का मतदान 5 नवंबर को हुआ। इस दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होनी थी। सीमांचल और मिथिलांचल में इस चुनाव में करीब 60% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौर में 827 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया। इस दौर में सबसे ज्यादा मतदान कटिहार में हुआ। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। ईवीएम मशीनों में प्रत्याशियों की किस्मत बंद हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 8 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजों पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। करीब 1 महीना, 5 दौर और 243 सीटों पर मतदान। बिहार चुनाव की यह प्रक्रिया चाहे शांतिपूर्ण संपन्न हो गई हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जिनकी पूरे चुनाव में गूंज रही। वो न केवल सुर्खियां बने बल्कि राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय भी रहे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ ऐसे ही मुद्दों पर, हमें इजाजत दीजिए। अब से चंद घंटे पहले बिहार चुनाव की प्रक्रिया को मुकम्मल कर लिया गया है। पिछले 2 महीने से चुनाव प्रचार जोरों पर रहा। सभी दलों ने जनता के सामने अपने वादे और दावे रखे। इन्हीं वादों और दावों में कुछ ऐसे मुद्दे भी उभर के आए जो सुर्खियों के साथ साथ बहस के भी विषय बने। उम्मीद किए हुए तबानगर से दिन। सबसे पहले बवाल मचा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक इंटरव्यू पर आरक्षण मुद्दे को लेकर कई दिनों तक गर्मागर्मी रही। महागठबंधन के नेता बीजेपी पर आरक्षण हटाने के आरोप लगाते रहे, जबकि बीजेपी के नेता आरक्षण न हटाने की सफाई देते रहे। The BJP is not in favor of any reconsideration of the reservation being extended to these groups, namely the SC, the ST, the backward caste and the extremely backward caste as enshrined in the constitution. साफ साफ हम लोगों ने चेतावनी दे दिया है। लालू के रहते, गरीब गुरबा नीतीश के रहते, अगर रिजर्वेशन पिछड़ा दलित का खत्म करने का नाम दिया तो इन सीट पर जाकर भारत की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं, जिनका संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास कम है, वो लोग और वो संस्थाएं ही इस तरह के वक्तव्य देने पर तुली हुई हैं।
आरक्षण पर हल्ला थमा तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एक विवादित बयान पर जोरदार हंगामा हुआ। पटाखे पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। अमित शाह के पाकिस्तान में पटाखे वाले बयान पर महागठबंधन ने कड़ा एतराज जताया। और लालू वाली पार्टी क्या पाकिस्तानी है? इसी बीच बीजेपी और महागठबंधन में पोस्टर वॉर बिना रुकावट चलती रही। प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पटना एयरपोर्ट पर लगे पोस्टरों पर शिकायत हुई तो उन पोस्टरों को हटा लिया गया। इसके बाद बीजेपी के दो विवादित पोस्टरों पर बैन भी लगाया गया। वहीं आखिरी दौर से एक दिन पहले यानी बुधवार को एक नया बवाल सामने आया जब बीजेपी के इस विज्ञापन की चुनाव आयोग से शिकायत की गई। हालांकि चुनाव आयोग ने आदेश देते हुए बिना अनुमति दिए विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।